Hello dear friends, my name is Dr. Aisha. Today we will discuss at what time pregnancy test should be done. हमल का टेस्ट किस वक्त किया जा सकता है? एक औरत के जो नॉर्मल मेंसेस पीरियड्स का साइकिल है वो आमतौर पे 25 टू 30 डेज होता है. जब भी जो आपकी मेंसेस की एक्चुअल डेट है, जब उससे एक हफ्ता ऊपर हो जाए तो आप प्रेगनेंसी टेस्ट कर सकते हैं. इम्प्लांटेशन के 2 वीक्स लेटर HCG लेवल्स जो हैं वो यूरिन में आने लग जाते हैं और हम उसको इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं. बाज प्रेगनेंसी स्ट्रिप्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं, तो सेकेंड या थर्ड डे जो है आफ्टर जो मेंसेस की ड्यू डेट है, इस टेस्ट को किया जा सकता है, तो उसमें पॉजिटिव या नेगेटिव रिजल्ट्स आ जाते हैं. आफ्टर इम्प्लांटेशन 2 वीक्स जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि इसमें बीटा HCG लेवल यूरिन में भी और ब्लड में भी दोनों में आना शुरू हो जाता है. अब कुछ लेडीज़ ऐसी होती हैं जिनको अपनी मेंसेस टाइम पीरियड याद नहीं, या जो लैक्टेटिंग मदर हैं जो दूध पिला रही हैं उनको भी बाज़ औक़ात मेंसेस जो हैं वो मिसिंग होते हैं काफ़ी अरसे के लिए, उनको भी समझ नहीं आ रही होती कि उन्होंने प्रेगनेंसी टेस्ट कब करना है. जो लास्ट अनप्रोटेक्टिव कोइटस है उसके 21 to 35 डेज में आप यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट कर सकती हैं या लैब से करा सकती हैं. इसके अलावा जो पेशेंट्स हैं वो बाज़ औक़ात ये सवाल करते हैं कि कौन से डे का टाइम जो है, जिस डे के टाइम पे हम प्रेगनेंसी टेस्ट करें तो वो हमारा रिज़ल्ट एक्यूरेट आए. जो अर्ली मॉर्निंग यूरिन है जिसमें HCG लेवल्स जो हैं वो हाई होते हैं, यूरिन कंसंट्रेटेड होता है, उसमें आप इजीली प्रेगनेंसी टेस्ट अपना कर सकते हैं और उसमें उसके ठीक होने के 80% तक चांसेस मौजूद होते हैं. जिन औरतों को ये समझ नहीं आ रही होती कि हम इस टेस्ट को घर में किस तरह से परफॉर्म करें, तो वो लैब से भी इस टेस्ट को करा सकती हैं और अपने गायनाकोलॉजिस्ट से भी रابطہ कर सकती हैं. थैंक यू वेरी मच. स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड. जज़ाकअल्लाह.